तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं एक्सेल वीबीए माइक्रोज प्रोग्रामिंग के ऊपर और हम बात करेंगे आज फॉर्मेट के ऊपर। कल की क्लास हमने बताया था कि किस तरीके से आप अपनी फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं, तो आज उसी फॉर्मेटिंग स्किल्स को लेते हुए हम एक फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। जैसा कि आपने एक्सेल जब पढ़ा था तो एक्सेल पढ़ते समय आपको मैंने सबसे पहला प्रोजेक्ट या सबसे पहला फॉर्मेट अटेंडेंस दिखाया था, तो इसलिए हम अटेंडेंस शीट को ये वीबीए प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे उसकी कोडिंग करेंगे आज इस क्लास में समझाने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा कि पार्ट दो पार्ट में होगा, पहला पार्ट मैं करूंगा, अधूरा मैं करूंगा और उसको फिनिश आप लोग करेंगे। चलिए तो मैं अपनी स्क्रीन देता हूं, जैसे कि अटेंडेंस फॉर्मेट होता है क्या है? पर एक इस तरह से फॉर्मेट होता है, दिख रहा आपको? इस तरह का फॉर्मेट हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ इसी तरह से कुछ फॉर्मेटिंग डिजाइन हम करेंगे। एक नई शीट हम लेते हैं, और इसको बंद कर देता हूं मैं। डेवलपर टैब में जाता हूं, विजुअल बेसिक इंसर्ट करता हूं, मॉड्यूल सब्जेक्ट ए डबल टी करके बना दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, तो सबसे पहले हम एक नई शीट को ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? मेरे पास ऑलरेडी शीट तरीके एक नई शीट ऐड करना है, तो शीट डॉट एड और इसका नेम होगा मंथ के ऊपर, जो महीना है उस मंथ के ऊपर। तो यहां पर लिखेंगे मंथ नेम और इसमें हम लिखेंगे मंथ, या डायरेक्टली मंथ नेम डालने की जगह हम डायरेक्ट यहां पे फॉर्मेट डाल देते हैं। फॉर्मेट में डेट और यहां पे MMM डैश वाई, एक सीट निकल गया। उसके बाद हमें यहां पे ए टू में मंथ लिखना है, रेंज ए टू डॉट वैल्यू इक्वल टू मंथ। मंजीत के नाम से किसने लिया है ज्वाइन, नाम बताएंगे सर? मंजीत के नाम से किसने ज्वाइन किया है, नाम बताएंगे प्लीज? हेलो सर, ज्वाइन तो मैंने अभी अभी किया है, विवेक के नाम से, इंटेल या फिर विवेक के नाम से होगा, मंजीत के नाम से नहीं है सर। यहाँ पे मंजीत खादियन करके आ रहा है। ओ मंजीत नहीं है, मनीत का ध्यान है, छोटा भाई। हाँ अभी ध्यान में, छोटे भाई के पास है लैपटॉप सर। हाँ ये विवेक ने, मैंने ज्वाइन किया सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, देख लेते हैं ना, कोई और तो नहीं आ गया? नहीं सर, वो छोटा भाई है ना, लैपटॉप दिन में उसके पास रहता है, उसने नाम चेंज कर दिया होगा। तो रेंज ए टू मंथ हमने कर दिया, और यहाँ बी टू के ऊपर हमें देना है सेम चीज, रेंज बी टू डॉट वैल्यू इक्वल टू, और ये जो हमने फॉर्मेट वाला सिस्टम किया है ये सिस्टम कर देना है। ठीक है, ये क्या होगा कि यहाँ पे ये सबसे पहले एक नया शीट ऐड करेगा, शीट का नाम देगा इस महीने चला सितंबर 20। ओके, उसके बाद यहां पे लिखेगा मंथ और यहां पे लिखेगा सितंबर 20। ओके, इस तरह।
उसके बाद फिर हमें लेना है यहाँ फिफ्थ में देना है एम्प्लॉय कोड, यहाँ पे देना है ई कोड, यहाँ पे देना है नेम, और यहाँ पे देना है आपका डिपार्टमेंट, और यहाँ पे देना है डेट ऑफ ज्वाइन। चार ABCD तक देना है। तो रेंज A5 डॉट वैल्यू इक्वल टू ई कोड, इसी को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, A5 यहाँ हमारा B5, यहाँ हमारा C5 और यहाँ हमारा D5। एम्प्लॉय कोड के जगह पे हम देंगे नेम, और ई कोड के इस पे जगह देंगे हम डिपार्टमेंट, और ये हमारा हो जाएगा डेट ऑफ ज्वाइन। ओके, उसके बाद यहां हम डालेंगे आज का टेंथ सिस्टम डेट, नहीं डेट नहीं, एक सितंबर डालेंगे। कैसे कैलकुलेट करें, हमारे पास एक टुडे का फॉर्मूला है, टुडे का फॉर्मूला क्या करता है, टेंथ सिस्टम डेट देता है। तो हम यहाँ पे ईओ मंथ में इसको सेलेक्ट करके -1 देंगे तो क्या होगा, इससे पिछले महीने की लास्ट डेट आ जाएगी, इसमें अगर प्लस करेंगे तो इस महीने की फर्स्ट डेट आ जाएगी। क्या सर? तो हम यहां पे लिखेंगे रेंज E5 डॉट वैल्यू इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, इसमें डालेंगे डेट, इसमें देंगे -1 और +1, तो ये आपका 1 सितंबर की डेट डाल देगा। ओके, अब मुझे S5 के अंदर रेंज यहां देखिए S5 डॉट फॉर्मूला इक्वल टू इन्वर्टर को हमें इक्वल E5+1 समझ गया। तो यहां पे क्या करेगा कि इसमें +1 करेगा। अब मुझे यहां रेंज स्टार्टिंग हमारा होगा F5, एंडिंग क्या होगा, एंडिंग होगा रेंज F5 डॉट ऑफसेट 0, कॉलम। अब मुझे क्या है कि 30 तक लेके चलना है, यहां 30 तक की सिलेक्शन कर दी, तो कितना हुआ 29 है ना सर, तो यहां पे 29, समझ आया कि नहीं सर, डॉट फिल राइट, फिर लाइक नाराज देख क्या करेगा, जैसे क्या होगा कि इसको सिलेक्ट कर लेगा, मतलब कि F5 से लेके इसके 29 आगे तक की जो रेंज है उसको सिलेक्ट करेगा और इस पे हमारा फिल राइट कर देगा। यहाँ आपका फिल राइट होता है, फिल राइट कर देगा। इसी के अलावा सारा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा और इसी को यूज करते हुए आगे बढ़ेगा। बात समझ में आया सर? हेलो सर, ओके, अब मुझे फिल राइट हो गया। अब मुझे वापस E1 से लेके A30 तक सिलेक्ट करना है,
E5 से, क्योंकि मुझे उसकी ईवी चेंज करना है ना। नहीं हाँ, तो यहाँ पे E5 से लेके 30 लेके चलना है, 30 कॉल। और सिम राइट के जगह पे हमें देना है कि नंबर फॉर्मेट इक्वल टू प्लस डी। उसके बाद वापस हम यहां आएंगे E4 पे, रेंज E4 डॉट फॉर्मूला दिख रहा है सर, इक्वल टू यहां होगा टेक्स्ट, यहां पे इक्वल टेक्स्ट टेक्स्ट, इसमें हमारा हो जाएगा E5 कॉमा। अब यहां पे डबल इनवर्टेड कॉमा में तीन बार हमें डी भी डालना है। हमने डबल इनवर्टेड क्यों किया, डबल इनवर्टेड कॉमा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि ये जो इनवर्टेड कॉमा मतलब कि यहां अब बाहर जो होगा वो इस तरह का टेक्स्ट फॉर्मूला लगाएगा और टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर इनवर्टेड कॉमा में तीन बार डी भी लिखना है। तो हमने दो बार इन्वर्टर कॉमा लगाया ताकि इसको पता चलेगा कि एक इन्वर्टर कॉमा बाहर रिजल्ट में प्रिंट करना है। अगर इसमें हम सिंगल लगाते तो सिस्टम कंफ्यूज होता है क्योंकि यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ क्लोज हो गया, समझ गया ना। इसे डबल लगा दिया तो सिस्टम को समझना आ गया कि बाहर इन्वर्टर कॉमा को प्रिंट करना है। इसे लाइन समझ में आई आप लोगों को, दैपक जी, दीप सिंह जी, जाहिद जी? सर ये वाला लाइन तो समझ में आ गया बट वो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन वाला लाइन समझ में आया कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट क्यों डाला। सर ईओ मंथ फॉर्मूला डायरेक्ट वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है इसलिए डाला हमने। तो ये सिर्फ ये एप्लीकेबल सिर्फ ईओ मंथ के लिए होगा सर कि किसी भी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला। देखिए एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो वीवीए को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि लेन, आज जैसे लेन फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे ना राइट ओके करते नीचे एक्सप्रेशन आ गया, तो ये फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बहुत सारे फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे हमने ईओ मन किया तो नीचे भी एक्सप्रेशन नहीं आया। तो ऐसे फॉर्मूले को हम लाइब्रेरी से कॉल करते हैं, इसलिए हम लिखते हैं पूरा पास की एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन वहां से ईओ मन उठाई। तो सर ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो कोई भी एक्सेल का फॉर्मूला हो, वेदर इट इज लेन और कोई भी फॉर्मूला हो, हम उसको एप्लीकेशन और वर्कशीट फंक्शन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ना आपके सामने फॉर्मूला दिख रहा है, दिख रहा है राइट। हाँ कोई और कुछ पूछ रहा था? हाँ सर बताने दोबारा की हमने डबल क्यू यूज किया सर हमने एक बार। सर सिंपल सी बात है ना, हमें बाहर जो रिजल्ट जो बाहर प्रिंट करना है उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब वीवीए में मुझे ऐसे सिचुएशन में जब आप वीवीए में लिखेंगे तो आपको अगर मान लीजिए कि सिस्टम को ये बताना है कि भाई ए इन्वर्टेड कॉमा में बाहर आएगा तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इन्वर्टेड कॉमा में है ना सर। अगर मान लीजिए यहाँ सिंगल लगाएंगे तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा ना कि भाई यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हो गया, बात समझे। इसलिए मुझे यहाँ डबल लगाना होता है ताकि सिस्टम समझेगा कि नहीं ये जो है इन्वर्टेड कॉमा इस इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज नहीं कर रहा है, ये अलग है जो कि बाहर प्रिंट करना है। ओके तो सर जब भी हम कुछ भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें ऐसे यूज करना है क्या? हाँ जैसे कि आप इफ वगैरह यूज करेंगे या जो एक वेक्टर वर्कशीट फॉर्मूला, मतलब ए हमने क्या किया, हम फॉर्मूला राइट कर रहे हैं, हम वीवीए के जरिए फॉर्मूला अप्लाई किए तो हम इस तरह से अप्लाई करेंगे जो ऊपर मैंने बताया आपको या फॉर्मेट हुआ, लेकिन हम एक्सटर्नल फॉर्मूला राइट कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ राइट किया इक्वल प्लस E5 1, ऐसे यहाँ भी इक्वल टेक्स, ये फॉर्मूला राइट करेगा सेल में जाकर, समझे।
सर यहाँ पे भी हम टेस्ट के पहले वर्कशीट फंक्शन और ये एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन लगा सकते हैं? नहीं 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 नहीं, बेसिकली क्या है कि हम होगा ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये आगे ड्रैग होना चाहिए ना इस तरह से, तभी ना E5, E5, F5, G5 होगा। अगर आपने इसका यूज कर लिया, इसके सब यूज कर लिया, तो वो तो सिर्फ एक को लेके कर देगा, तो फिर आपको लूप लगाना पड़ेगा, हर एक डेट का इंडिविजुअली निकालना पड़ जाएगा ना, और मैनुअल हो जाएगा। कल के डेट में अगर डेट चेंज होती है तो बाकी चेंज नहीं होगा ना, वीवीए जब तक कि वीवीए को रन ना करे तब तक। ओके, तो इसलिए एक्सेल वीवीए के जरिए एक्सेल फार्मूला राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 की जगह पे 4, और यहाँ भी हमारा हो जाएगा 4 और 30 फिल डाउन, नहीं नंबर फॉर्मेट नहीं होगा, ये होगा फिल राइट। ओके, अब इस एक बार इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो मुझे इस शीट को डिलीट करना होगा क्योंकि एक ही नाम के दो शीट नहीं हो सकते ना, और इसको मैं 1 by 1 रन करूंगा जिससे आपको इफेक्ट दिखता रहा। ठीक है, तो मैं एफर्ट प्रेस कर रहा हूं, पी डॉट एड, एक पीट एड हो गया, दिखा सर, ए टू को मैं मंथ टाइप हो गया, इसके सामने 20 आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सितंबर, यहाँ दिख रहा है आपको सितंबर 20 किया तो 20, यहाँ 20 सितंबर आ गया, उसने क्या किया डेट ले लिया 9/20/2020, दिख रहा है सर आपको? हेलो, ये देखिए एक गलत हुआ, हमें यहाँ पे ईयर मंथ चाहिए, तो कैसे करें सर इसको? तो इसको मुझे यहां पे करना होगा रेंज, B2 डॉट नंबर फॉर्मेट, ठीक है, हमने इसको टेक्स्ट फॉर्मेट कर दिया, अब मैं ऊपर, अब मैं इसको यहां इसको डिलीट करता हूं, पहले डिलीट किया, अब देखिए इसको, इसे एसेट होगा ना, एसेट, अब आया सही सर, सितंबर 20 आ गया, एम्प्लॉई कोड नेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे डेट डल गई, अब यहाँ पे डेट डली लेकिन डेट का फॉर्मेट नहीं आया, दिख रहा है आपको? हमें क्या करना होगा, अरे इसकी फॉर्मेट की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में मैंने इसको फॉर्मेट चेंज किया ना, डीडी किया है, तो हम यहाँ पे E5+1 करते हैं और एक 29 नंबर फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मूला और 29 तक फिल कर दिया। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ हमारा, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको सर, ये ज्यादा हो रहा है, 30 से ऊपर चला गया, 30 से ऊपर चला गया, मतलब मुझे इसमें 29 के जगह पे 28 करना होगा, और यहाँ 30 के जगह पे 28 करना हो, नहीं 30 की जगह से 29 हो गया, ठीक है
सर वहां पे ऑटोमेट नहीं कर सकते क्या, क्योंकि अगर देखिए एक मिनट देख लेता हूँ मैं, नहीं यहाँ भी यहाँ यहाँ 29 होगा और यहाँ भी 29 होगा, 30 की जगह पे 29 होगा। अब सही है, अब एक बार दोबारा रन करता हूँ, इसको मैं ऑटोमेट कर दूंगा। सर ये ऑटोमेट भी वैसे ही वर्क करेगा क्या? हाँ नहीं अभी मैं इसको ऑटोमेट करूंगा ना सर, 30 तक आ गया ना। अब बट यहाँ सैटरडे ये ज्यादा जा रहा है, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, मतलब कि हमें जो टेक्स फॉर्मूला को हमने किया है ना इसको भी 28 करना होगा। हाँ अब वर्क कर रहेगा सर। अब यहाँ पे देखिए आपका 30 तक सही है, बट अक्टूबर में तो चेंज, अक्टूबर में चेंज करना पड़ेगा ना कोड सर, 28 को मैं ऑटोमेट करना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या है कि हमें एक वेरिएबल लेना होगा और ए यहां हमने वेरिएबल हमने दिया डी कि कितने दिन डे है, यहां हम देंगे अपनी यहां पे डे, डे फॉर्मूला डायरेक्ट वीवीए को सपोर्ट करता है तो डे, और यहाँ एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ और इसमें हम दे देंगे डेट कॉमा जीरो, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ डेज, ये कितना नंबर ऑफ डेज है। फिर इसमें यहाँ पे देखिए 30 दिन है तो 28 देना पड़ा, मतलब कि इसमें हमें ब्रैकेट में देना होगा डी माइनस टू, इसमें 30 दिन है 29 देना पड़ा तो D यहाँ पे देना पड़ेगा D माइनस 1, और यहाँ 28 दिन है तो D माइनस 2, समझे। अब जो होगा सर ये D माइनस 2 D माइनस 1 ये कैसे फाइंड कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो? ये हम D हमारा कैलकुलेट हुआ ना सर, ठीक है ये आ गया 30। जैसे आपने देखा कि अभी हमने फॉर्मेटिंग चेक किया देखा कि अगर 30 दिन है तो हमें 28 नंबर ही ऑफसेट पे देना होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहां से जाइन शुरू कर रहे हैं ना, ऑफसेट हमेशा जीरो से काउंट करता है ना, इसलिए हमें यहाँ 28 देना पड़ा तो 28 चाहिए। अगर 31 दिन का होगा तो 29 चाहिए होगा, और 29 दिन का होगा तो 27 चाहिए होगा, हमेशा लास्ट डेट से दो कम चाहिए ना। अभी हमने इसलिए हमने पहले मैनुअल किया था, समझे। ओके तो यहाँ पे अपने को मतलब अगर हर मंथ के हिसाब से फिर हमें यहाँ पे अब हर मंथ के हिसाब से नहीं करना, हमें एक मंथ के हिसाब से कर लिया ना, हमने पता चल गया कि भाई दो महीने जितना महीने का दिन है उससे दो दिन कम हुआ तो महीना में कितने नंबर ऑफ दिन है ये हमें एक कैलकुलेट कर देगा, हम यहाँ से दो कम कर दिए, यहाँ से एक कम कर दिया, यहाँ से दो कम कर दिए। अब महीना अक्टूबर का हो चाहे दिसंबर का हो चाहे नवंबर का हो या फरवरी का हो, समझ गए। अब मैं एक बार इसको दोबारा रन करता हूं, तो इसको मैं ले लिया तो ये देखिए परफेक्टली परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है कि यहां से लेके 10 तक का एम्प्लॉय कोड आपको ड्रैग करवाना है, ठीक है। नेम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा इस सब में बॉर्डर देना है, आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, इसमें हाईलाइट सैटरडे एंड संडे को हाईलाइट करना है, समझ गए सर।
लीव को हाईलाइट करना है और जहां दिक्कत होगी वहां माइक्रो रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा। ये आगे का प्रोजेक्ट आप लोगों को करना है। ओके हेलो, हाँ बोलिए सुजीत सर। जैसे नेक्स्ट मंथ जब स्टार्ट होगा तो वहां पे जो आपने लिखा है डी माइनस टू और डी माइनस वन, तो इससे कुछ दिक्कत नहीं होगी? सर मैंने आपको समझाया ना कि डी माइनस हुआ है ना सर, तो डी क्या है? डेज है। कौन सा डेज है? मंथ डेज स्टोरेज के ऊपर। मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज होता है वो कैलकुलेट करके आया हुआ है जी। और हमारे फॉर्मेट में जितना अगर टोटल हमने यहाँ पे 28 लिखा था, किस पर्पज 28 लिखा था हमने? इससे पहले 28 था ना यहाँ पे जी। 28 क्यों था? क्योंकि सितंबर में 30 सितंबर में 30 दिन होते हैं और हमने फिर जो है दो दूसरे दिन से स्टार्ट किया था और ऑफसेट जीरो से काउंट करता है, इसलिए दो दिन कम होंगे, दो कॉलम कम होंगे क्योंकि दो कॉलम ऑलरेडी डिफाइंड है हमारा जी। बात समझ में आया? अब दो कॉलम डिफाइंड जो है ये तो हार्ड महीने होगा ना हमारा, तो जितने नंबर ऑफ डेज होंगे उसमें से हम दो माइनस कर देंगे ना। अब समझ में आया सर? एक सेकंड, नेक्स्ट मंथ जब मैं 1 अक्टूबर को अगर कोई शीट ऐड करता हूँ, नेक्स्ट मंथ जब होगा तो डी हो जाएगा हमारा 31 हो जाएगा ना। 31 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 29। अब मुझे 29 क्योंकि 29 चाहिए ना, क्योंकि इसको 31 तक चाहिए होगा ना हमें, क्योंकि हमारे दो डेट तो फिक्स ही है स्टार्टिंग की, राइट? जी हाँ जी, तो स्टार्टिंग हमारा फिक्स है इसलिए हमने माइनस कर दिया। ओके ओके फाइन। अब वो इसमें हमने 1 क्यों माइनस किया? क्योंकि मुझे इसको यहाँ स्टार्टिंग 1 से करना है, यहाँ समझ गए? तो इसमें जो है इसमें कोई माइनस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऑफसेट चलता है, ऑफसेट की काउंटिंग जीरो से होती है, तो अगर आप ऑफसेट में 30 देंगे तो 31 काउंट करेगा वो, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा। ओके ठीक है सर। जी सर, एक चीज और है इसमें, जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा था कि अगर जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो जैसे डीम वगैरह लिखते हैं कुछ की डीम दिस इज ये एक वीवीए में, अगर आप डिफाइन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो वेरिएंट ले लेता है। अच्छा, अभी मैंने आपको अभी आपको मैं डेटा टाइप पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं डिक्लेयर नहीं किया ताकि कंफ्यूज आप ना हो। अच्छा, लेकिन आप तो हो गए कंफ्यूज। तो जैसे मैथमेटिक्स में एक्यूएल जन लेते हैं ऐसे यहां भी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा सर। हेलो, हाँ बोलिए सुजीत सर। यहाँ पे ये क्या इंटीमेट कर रहा है? ये नंबर फॉर्मेट और ये एट द रेट एज ए टेक्स्ट? एट द रेट इसके लिए होता है, टेक्स्ट के लिए होता है। ओके, टेक्स्ट के लिए होता है। एक आपको देखिए इसमें आपको एक और होगा, आप यूट्यूब पे जाके कस्टम फॉर्मेट को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? वीवीए में डेट की नंबर की कोई भी फॉर्मेट करने के लिए कस्टम फॉर्मेटिंग के कोड पता होना चाहिए। पूरा करना है इसमें, ये नंबर देना है, बॉर्डर लगाना है, हेडिंग को कलर करना है, सैटरडे संडे को हाईलाइट करना है, लीव को हाईलाइट करना है, कोई हॉलीडे है तो हॉलीडे को हाईलाइट करना है। अब इसके आगे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कीजिए। अच्छा ठीक है सर, ये एक्सेल भेज दोगे? मुझे भेजना पड़ेगा इस पर? हाँ सर भेज दो प्लीज। एक इसकी कोड आपको भेज देता हूँ, कोड से मतलब है ना आपको? जी सर। व्हाट्सएप कर दो? कर दो सर, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? ओके बाय सर, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।